नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने बड़े भैया, फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ विद्यामंदिर क्लासेस। ये मैं बहुत थैंक्स करता हूँ शुरुआत में ही पेरेंट्स का कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और इस वीडियो को देखने की वो मतलब प्लान बना रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइम दोस्त यानी मैं पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे को ही मैं प्यारे दोस्त कहता हूँ, आप भी मेरे से बहुत छोटे हैं, आपको दोस्तों। एक्चुअल में क्या है कि जो मैं अपना आपके सामने, जब आपके बच्चों के सामने होता हूँ, तो मेरे अंदर का एक टीचर एक्टिव होता है, या मेरे अंदर जो बच्चों का माइंड है बचपन एक्टिव होता है। अब मैं अपने आपके सामने जो मेरे अंदर एक फादरहुड है या एक जो है पेरेंटल पेरेंटहुड है, उसको मैं एक्टिवेट करता हुआ आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आई होप आप समझेंगे हमें एज ए पेरेंट सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में क्या होता है, एक इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि एक जब छोटा बच्चा होता है, इनसिक्योरिटी होती है इसकी तबीयत ठीक रहे, ठीक है, इसकी हेल्थ ठीक रहे, ढंग से खाए पिए, जब स्कूल जाता है बच्चा कि टाइम से पहुंच जाए, पढ़ाई कर ले, घर टाइम से आ जाए। जब बच्चा 11 12th में आता है, जहाँ आपके बच्चे हैं, वहाँ में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है कि इसका कैरियर कैसे बने। तो उसी के लिए आपका बच्चा जो है 2 साल से जो है, या 2 साल से भी ज़्यादा से इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी कर रहा है, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाने कर रहा है, और आपकी ब्लेसिंग लगातार उसके ऊपर है और हमारे पर भी है, ठीक है। लेकिन आपको अभी समझना है कि जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपकी जो है आपसे ज़्यादा आपके बच्चे की है। आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, आप थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप हमेशा इनसिक्योर हो गए तो इनसिक्योरिटी क्या करती है, इनसिक्योरिटी सिंपली गिव्स बर्थ टू एंग्जाइटी। ये पक्का है मेरा, मैं एज में तो बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन टीचिंग के अंदर मैं 33 ईयर हो गए। तो जैसे ही हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आती है, इनफैक्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले इनसिक्योरिटी आ जाए, कल मेरा क्या होगा, या सर आप समझते ही होंगे, मैं आप समझते होंगे, हम भी कभी अपने को प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, कंपनी में लेके जाते होंगे, प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, या मैं भी आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर भी एक घबराहट तो है ही कि भी क्या होगा, कैसे बातचीत करूँगा, पहली बार अपने बच्चों के कहने पर पेरेंट्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमेशा जब भी इनसिक्योरिटी होगी ना, एंग्जाइटी आएगी, और एंग्जाइटी जो होती है ना वो बहुत एनर्जी सकिंग चीज़ होती है। मतलब जनरली हम मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे बच्चों में आ जाए, ठीक है, और हम एंग्जाइटी अननेसेसरीली अनजाने में, ऐसा नहीं है हम जानबूझ के एंग्जाइटी को प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अनजाने अनजाने में एंग्जाइटी जो होते हैं ना वो डेवलप कर देते हैं बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। देखो मेरे दोस्तों, इस देश के अंदर क्या है कि टैलेंट की भरमार है। हमें हर पेरेंट को लगता है हमारा बच्चा सबसे बेस्ट है, लेकिन हर पेरेंट्स को लगेगा हमारा बच्चा बेस्ट है, इसका मतलब सही बच्चे बेस्ट हैं। आपको मालूम है इंडिया के अंदर टैलेंट ज़्यादा है, सीटें वगैरह बहुत कम है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इनसिक्योरिटी नेचुरल है। अब इनसिक्योरिटी नेचुरल है तो बस ठीक है, लेकिन अब इनसिक्योर हो गए बहुत ज़्यादा, यानी इनसिक्योरिटी नाम का वायरस अगर आपके अंदर आ गया तो नेचुरली ये एंग्जाइटी पैदा कर देगा, और एंग्जाइटी सख्त एनर्जी लाइक एनीथिंग जो है। अब ठीक है, हमें क्या है भाई, एंग्जाइटी नेचुरल है क्योंकि मैं पेरेंट हूँ। आपको एंग्जाइटी अपने बच्चे की, आप बिलीव करेंगे, हमें एज ए टीचर कम्युनिटी में मैं बात करता हूँ, सभी एग्री करेंगे, पूरे टीचर कम्युनिटी के दोस्त, कि पेरेंट्स से भी ज़्यादा एंग्जाइटी हमारी होती है, हमारे सामने हज़ारों बच्चे होते हैं। तो अगर हम अपनी एंग्जाइटी बच्चों पर डालना शुरू कर देंगे तो बच्चों की क्या हालत होगी, आप सोच सकते हैं कि बच्चा जो अपनी एंग्जाइटी से ही जूझ रहा है, 16-17 साल का बच्चा, उसके साथ अपनी ही प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, उसके साथ पीयर प्रेशर है, उसके साथ स्कूल टीचर कॉपरेट कर रहे हैं, कुछ स्कूल टीचर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ बोर्ड की टेंशन हो रही है, कहीं प्री बोर्ड की टेंशन हो रही है, वहाँ उसको एग्ज़ाम देना है, 11th करूँ 12th करूँ, और अपनी एंग्जाइटी से जूझ रहा है। उसकी तो हम कर ही रहे हैं, मैंने उसके लिए मैसेज डाला है बच्चों के लिए कि एंग्जाइटी को अगर नेचुरली आप एक्सेप्ट कर लो तो इट इज़ नॉट एंग्जाइटी जो है, ठीक है जी, लेकिन एंग्जाइटी से आप बहुत सोचना शुरू कर दो, अफेक्ट हो जाओ, इट सक्स योर एनर्जी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जब हम खुद बहुत एंग्शियस हो जाते हैं और हम मैच्योर हैं, हमें अपनी एंग्जाइटी को बच्चों के सामने बिल्कुल आने नहीं देना चाहिए, बिल्कुल एंग्जाइटी, मतलब इट इज़ पॉसिबल, ठीक है जी। तो अगर हम एंग्जाइटी बच्चों पे अपने ट्रांसफ़र कर देंगे अनजाने, तो बच्चे पर डबल एंग्जाइटी हो जाएगी। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे हमारे बच्चों के पेरेंट्स, ठीक है जी, डोंट बी इनसिक्योर। द ओनली वे, मेरे पिताजी ने जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, मैं, मेरे श्यामोहन भैया, मनमोहन भैया, संदीप भैया, हमें एक ही पाठ पढ़ाया कि एंग्जाइटी तो नहीं कहना चाहिए मुझे, इनसिक्योरिटी को अगर आपने कॉन्कर करना है, द ओनली वे इज़ टू एक्सेप्ट द इनसिक्योरिटी। द मोमेंट यू एक्सेप्ट द इनसिक्योरिटी, यू आर सिक्योर। दिस इज़ माई सजेशन टू यू, ठीक है। फिर भी हमने अपनी टीम से, कुछ बच्चों से ही बातचीत करके सोचा
या जो मैंने भी कभी मेरे बच्चे जब छोटे रहे होंगे, जब 11, 12 में मेरी डॉटर्स हैं, शामन भैया के बच्चे हैं दो 11, 12 में, तो हमने उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दी, या अपने लिए हमने, मैंने अपनी वाइफ के साथ बैठ के क्या प्लान बनाया कि हम कैसे रोल प्ले करेंगे बच्चों के साथ लाइफ के अंदर, तो आप थोड़ा माइंड नहीं करना, मैं कुछ आपसे अपनी फीलिंग शेयर करूँगा कि व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए पेरेंट, ठीक है जी, इन जनरल जो है, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ है कि पेरेंट्स को एक घर में ना एक हारमोनी वातावरण होना चाहिए, जिसको हम अपने ज़माने में माहौल कहते थे, माहौल, कि माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मोहल्ला उससे बनता है। आप भी अपने बच्चों की जब बचपन पे अपब्रिंगिंग कर रहे होंगे, पेरेंटिंग कर रहे होंगे, आपने ध्यान दिया हो, उसे कंपनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का मतलब माहौल अच्छा होना चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए। तो क्या हमारी ड्यूटी ये नहीं बनती है कि हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए? अगर मैं अपनी कोई वाइफ से कुछ किसी बात पे तन बन जाता हूँ, मेरे पसंद का नाश्ता नहीं बनता है, तो मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, बच्चों के सामने बिल्कुल गुस्सा नहीं होना चाहिए, मेरे ऑफिस में प्रसाद परेशानी हो सकती हैं, मेरी वाइफ के ऑफिस में कोई परेशानी हो सकती है अगर वो हाउसवाइफ नहीं है, हमें बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए, हमें हारमोनी बनानी चाहिए, बच्चों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। आपको मालूम होगा मेरे दोस्तों, पेरेंट्स 15, 16, 17 सबसे क्रूशियल एज होती है आदमी के जीवन के अंदर, जो बहुत बच्चा अपने आप से स्ट्रगल कर रहा होता है, अपनी फिजिकल चीज़ों से एक्सपर्ट स्ट्रगल कर रहा होता है, इमोशनल उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो हमें एक बहुत हारमोनी बना के घर में रहनी चाहिए, एक क्लेश का वातावरण नहीं होना चाहिए, हर वक्त अपने बच्चे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मैं एज ए पेरेंट क्या करूँगा अपने बच्चे के लिए, हारमोनी बना के रखूँगा, छोटी छोटी बात पर चिकचिकबाजी नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले उसके लिए फूड का ख्याल रखूँगा। क्यों? आप सर मानेंगे, फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बच्चे के नॉट ओनली माइंड को बल्कि उसकी फिजिकल और इमोशनल और मेंटल एनर्जी तीनों वर्क करती है। मैं तो कहता हूँ इंटरनेट कल्चर है, आप जाओ साइट पर सर्च करो, डाइटिशियनों की साइट जाओ, कौन सा न्यूट्रिशियस फूड बच्चे के लिए होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको मैदा ओरिएंटेड फूड इस्तेमाल नहीं करना है अभी, क्योंकि वो डाइजेशन को ठीक नहीं करता है। आपको मालूम ही होगा कि जब एंग्जाइटी, नेचुरल एंग्जाइटी जो बच्चे की है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड पर सबसे ज़्यादा असर करती है, एड्रेनलिन का रिलीज होता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो स्टमक का जो है, तो उसके लिए फूड का, स्टमक का इतना रिलेशन है, और स्टमक से सारे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो बच्चे के मिजाज को डेवलप करते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी पेरेंट्स से कि वो फूड का ख्याल रखें, ड्राई फ्रूट को बच्चों को दें, फ्रूट्स बच्चे को दें, सूप दें शाम को जो है, कुछ नारियल पानी का इस्तेमाल करें, लिक्विड फूड से बहुत ज़्यादा रखें, लाइट फूड रखें, राइस वगैरह का बहुत जो है, पंजाबी स्टाइल के छोले भटूरे और ये मटन चिकन वगैरह थोड़ा कम रखें, चिकन फिर भी रख सकते हैं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी आपको नॉलेज होगी अपने बच्चे के लिए क्या सूट करता है। तो मुझे लगता है फूड जो है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट्स है, जो फिजिकल एनर्जी पूरी होनी चाहिए उसके अंदर, और मेंटल एनर्जी भी फूड से बनती है। आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा अजीब सा इरिटेटेड फूड खा लिया तो आपका माइंड इरिटेटेड रहेगा, ठीक है जी। एक तो ये फूड बेदार, दूसरा जो हमारी पेरेंट की बड़ी नेचुरल नेचर होती है कि कंपैरिजन करने का बहुत शौक है हमारा, जो जैसे हमारा, मैं कहता हूँ लोगों से कि इंडियंस का जो फेवरेट पास टाइम होता है क्रिटिसाइज़ करना और दूसरों को राय देना, माफ़ करना, मैं भी आपको राय ही दे रहा हूँ, ठीक है जी, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं जो। तो उसमें क्या होता है कि इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा एक मतलब शौक ही है कंपेरिजन करना, और तो और हम अपने ही दो बच्चों में कंपेरिजन करते हैं, और तो और मैंने, मैडम सर मैं बताऊँ आपको, मैंने ट्विंस बच्चे पढ़ाए, अभी भी हमारे पास मतलब बच्चे ट्विंस पढ़ते हैं, उन तक में कंपेरिजन कर रहे हैं, उनमें क्या कंपेरिजन करोगे यार, उन दोनों बच्चों की शक्लें एक सी, आज समझने की कोशिश करो, ये हमारा फेवरेट पास टाइम है, और नेगिंग करना, खिंचाई कर रहे हैं उसकी, यार तू कुछ नहीं कर सकता, देर बस की कुछ नहीं है, मुझे पहले से ही मालूम था, अरे यार अगर आपको पहले से मालूम था तो उसको साइंस दिलाते ही ना, कॉमर्स में डालते, प्लीज़ नाराज नहीं होना मेरी बात से, ठीक है, थोड़ा इसको स्पिरिट में लेना, हंसी मजाक के स्टाइल में लेना, हमारा बच्चा है, हमारा, सोचें आप, हमने 15-16 साल का बच्चे को कितने प्यार से उसका लालन पालन किया, हम कैसे नगिंग कर सकते हैं उसकी, हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। नेचर में ही आप देखते हो, आगे बगीचे में सर्दी का मौसम आ रहा है, फूल ही फूल खिले होंगे, क्या आपने कभी देखा है कि गुलाब और आपका जो है जो गेंदा का फूल आपस में कंपैरिजन करते हैं? हर एक की यूनिकनेस होती है हर बच्चे की, तो हमें हर अपने बच्चे की यूनिकनेस होनी चाहिए। हम चार भाई हैं, विद्यामंदिर में चलाते हैं, हमारे माँ बाप कहते हैं कि चारों डिफरेंट हैं, लेकिन चारों हम यूनाइटेड हैं, चारों डिफरेंट है, हर आदमी की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, शक्ल तो डिफरेंट है ही। मैं आपको बताऊं सर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मेरी दो डॉटर्स हैं, उनका जन्मदिन भी सेम है, बाई चांस वो ट्विंस नहीं है, एक साउथ इंडियन है तो एक नॉर्थ इंडियन है, इतना जमीन आसमान का फर्क है। तो आप समझो, हमें हर एक की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये पाप है अगर हम अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं किसी से और उसकी नगिंग करते हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, हमारे बचपन में मेरे पापा कहते थे, जिस दिन तेरा जूता
मेरे पैर में आ जाएगा, तू मेरा बेटा नहीं मेरा दोस्त हो जाएगा। तो हमें एटलीस्ट अपने बच्चे का पेरेंट ना हो गए फ्रेंड बनना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और ये सर मैंने कहाँ से सीखी है, मैं भी कभी छोटा था जब हमने विद्या मंदिर शुरू किया था, मैं और श्यामन भैया ने, हमारी भी कोई मैरिज नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, हमने ये अपने बच्चों के पेरेंट्स से सीखा। फिर ये हम बड़े हुए, मैरिज हुई, आगे बच्चे आए, हमने उनके सीखा। अब उनसे सीख के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चे का हमें फ्रेंड बनना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप माइंड नहीं कर रहे हैं, इस टाइम टॉपिक अलग से कर रहा हूँ, पहला मौका मिला मुझे पेरेंट से बात करने का, हमें एज ए हस्बैंड वाइफ भी, हस्बैंड नहीं होना चाहिए, वाइफ को वाइफ नहीं होना चाहिए, उनको फ्रेंड होना चाहिए, फॉर लॉन्गिविटी ऑफ द हारमोनियस रिलेशनशिप हमें फ्रेंड होना चाहिए। तो फ्रेंडशिप कल्चर जो होता है ना, वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड होता है। तो मैं ये कहूँगा विद्या मंदिर के एटलीस्ट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, इनफैक्ट सभी कोचिंग के बच्चों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बच्चे के फ्रेंड बने, ना कि उसके जो है ना आपका क्या है कि वो पेरेंट बने। क्योंकि पेरेंट बनते ही ना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, फ्रेंड बनते ही हमारा लेवल सेम आ जाता है, आ समझने की कोशिश करना। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब बच्चे मुझसे कहते हैं भैया बड़ी सबसे बड़ी घर में झगड़ा जो चलता है वो कि माँ बाप को बोर्ड के एग्जाम की बड़ी टेंशन होती है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इंडिया में इतना अनसर्टन है कि पता नहीं किसका सिलेक्शन हो किसका नहीं होगा, तो हमें लगता है यार एक चीज़ तो बड़ी सी सिक्योर है क्या कि बोर्ड का एग्ज़ाम में नंबर बड़े आने बड़े आसान है। मैं आपको बताऊँ, जिन पेरेंट्स से मैं बात कर रहा हूँ उनके बच्चे बहुत एबिलिटी वाले हैं, 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आपको विश्वास नहीं है अपने पेरेंट्स पे कि और आपने भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है? मेरे तो बच्चों ने 33 ईयर्स से एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड का। बोर्ड के एग्ज़ाम में नंबर लेना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, अगर हमें 40 दिन भी नीट मिल जाए, जो कि हमें मिल जाएंगे। जैसे जिस दिन भी 10 करीब जनवरी को JEE मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तकरीबन हमें जो है नीट में मतलब 48 दिन मिल जाएंगे। नीट मतलब वो NEET वाला है, मेडिकल एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमें मोर देन 40 डेज़ मिलेंगे। जैसे मैं मोर देन 40 डेज़ हैं अभी हमारे JEE मेंस के एग्ज़ाम को, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशेंट है, बहुत सफिशेंट है। और जो बच्चा बोर्ड की तैयारी जो JEE मेंस की तैयारी कर रहा है, 12th का सिलेबस को अच्छे से कर रहा है, वो बड़ी आसानी से बोर्ड कर पाएगा। उसको सिर्फ क्या करना है, इंग्लिश में और 5th सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। तो आप थोड़ा भरोसा रखो अपने बच्चों पर कि वो बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने 10th के एग्ज़ाम में ही बहुत अच्छा किया है। भरोसा रखो, आपके भरोसे भी तैयारी कर रहे हैं वो, आपके कॉन्फिडेंस से भी तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट फील इनसिक्योर अबाउट बोर्ड एग्ज़ाम। और अभी जो प्री बोर्ड हो रहा है उसको दें, आप बच्चे को कहें कि मोटिवेट करें एग्ज़ाम देने जाए, उसको ये ना कहें बैठ बैठ के प्रैक्टिस करें, टारगेट ना दें कि एक बच्चा आया मेरे पास कि भाई तेरे 80% नंबर नहीं आए तो JEE मेंस नहीं देने देंगे, स्कूल की किसी मैडम ने कह दिया अगर तेरे 80% नंबर नहीं आए तो JEE मेंस में तू खाक जाएगा। अरे ये तो डायलॉग है, निकल गया, हम भी बच्चों पे गुस्सा हो जाते हैं। आपको बहुत अलर्ट रहना है क्या बोल रहे हो, पहले आप मन में सोचो क्या बोलने जा रहे हैं, फिर अपने बच्चों से बात करो, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है और बहुत क्रूशियल टाइम से गुजर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्री बोर्ड के लिए मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट कर दी है कि आप प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देने जरूर जाओ, बहुत फोकस मत रखो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्ज़ाम तो अच्छा करेंगे करेंगे, 2 सब्जेक्ट में इशू हो सकता है, वो जनवरी फरवरी में सब अच्छे से हो जाएगा। आप विश्वास रखो, विश्वास रखो अपने बच्चे पे, आपका बच्चा है, ठीक है, तो उसको उसके विश्वास को डगमगाने मत दो, क्योंकि वो डिलेमा में है कि बोर्ड की तैयारी करूँ, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दूँ। कुछ स्कूल वालों ने तो बिल्कुल कॉपरेशन खत्म कर दिया है कि दिसंबर में ही बोर्ड का एग्ज़ाम प्री बोर्ड रख दिए, इट इज़ नॉट गुड। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम परेशान नहीं करेंगे अपने बच्चे को। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप बच्चे को बचपन से मोटिवेट करते रहे कि गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन तेरे को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं आपको, सारी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट कर रहे हैं, आप उसको हमेशा मोटिवेट करते आए, आप भूलना नहीं मोटिवेट करते आए। तो अभी हमारा मोटिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कि बच्चा थोड़ा मायूस हो सकता है, घबरा सकता है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है बच्चों के लिए, वो भी आप सुने, आप मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे, बच्चे को उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के उसको डिस्कशन कर दें, रार दें हम मल्होत्रा साहब के बच्चे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या बात हुई, मतलब आप अपने बॉस के बच्चे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपके ब्रदर इन लॉ है कि मामा जी के बच्चे का इतना रैंक था तेरा क्या आएगा, ये सब बातें नहीं करनी है। मैं थोड़ा ज़ोर से बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं आपसे बड़ा तो हुई उम्र के अंदर, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका बच्चा है, हमारा ही बच्चा था, हम सब मिल के अपने बच्चे के करियर के अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। माता सरस्वती से प्रार्थना करें हम सब मिलके कि हमारे बच्चे को सद्बुद्धि दे, और आप थोड़ा सा कॉपरेट करें तो मुझे लगता है हमारे बच्चे जनवरी एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा करके आएंगे। और घबराएं ना आप, अल्टीमेटली अच्छा है हमारा बच्चा इस सिचुएशन से गुजर, इस टाइम में है जब यहाँ
अप्रैल के अंदर ही मेंस है. अगर कुछ कमी रह गई हम गाइड करेंगे, आप गाइड करना, हमसे मिलके गाइड करेंगे, बच्चे की कमी को पूरा करेंगे, अप्रैल में पूरा कर लेंगे. मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी अप्रैल में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने की, क्योंकि उसका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा. तो आपने इस प्रेम से हमारी बातों को सुनने की कोशिश करी या सुना, तो मेरी बहुत बहुत थैंक्स है आपका. और फिर मैं माता सोचे से प्रार्थना करता हूँ हमारे सब बच्चों को आशीर्वाद दे और वो अच्छे से करें. थैंक यू माय डियर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स.